जय सियाराम, हरिओम। वीडियो का टाइटल है डरिए कि आपको इनके हाथों खत्म होना है। पता है तो फिर डरिए क्यों, कोई रास्ता ना निकाल लें, यही मोटो है। अभी जो राजस्थान में चुनाव हुआ है और चैनल्स पे जो उसको इतनी सीटें आएंगी, उसको इतनी, मतलब आफ्टर पोल प्री पोल सब तो होता ही रहता है ना, गनगनाए हुए है, लेकिन जो मुद्दा है उधर किसी का ध्यान नहीं है। चुनावी मुद्दा ही नहीं था वो चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसको आप झेलते आ रहे हैं, भुगतते आ रहे हैं, खत्म होते आ रहे हैं टुकड़ों में धीरे धीरे। चुनावी जो चल रहा था उस दौरान जो कैमरा वाले भागते रहते हैं गांव गांव गली गली, तो वहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू है जो गांव वाले से पूछ रहे हैं, वो जरा सा सुन लीजिए। मुसलमान 16-16, 18-18 बच्चे है। 16-16, 18-18 बच्चे, हाँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ सही के, सच में कह रहा हूँ। आप किसी को देखे हैं या ऐसे सुनी सुनी है? हमारे गाँव में देखे है, गाँव में, हमारे गाँव में है बहुत सारे लोग जिनके 15-15, 14-14 बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बात तो वही कर रहा हूँ जो हकीकत है। एक साल में कम से कम 1000 वोट बढ़ाते हैं हर गांव में, 1000-2000 साल में वोट बढ़ते हैं। तो भैया दर्जन भर तो हम कहते थे भैया तेरे दर्जन बच्चे, तो 15-16, 17-18 बच्चे उसी गांव में हैं, कईयों के हैं। और एक माइंड सेट है कि भैया 1000 वोटर तो हर साल बढ़ाने, कितना बड़ा एरिया होगा वो तो आप जान सकते हैं। ये चुनावी मुद्दा था क्या? जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या ग्रोथ या जनसंख्या नियंत्रण मुद्दा नहीं रह गया। मैं कह रहा हूँ डेमोग्राफिक इन्वेजन को रोकना है। जब बंटवारा हुआ था तो 8% थी मुसलमानों की आबादी और 2011 में हो गई थी 14%, अब 18 हो गई होगी, 20 हो गई होगी, और 92% थे हिंदू तनातनी, जिसमें कि सिख भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, और आज 79% पे आ गए हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक इन्वेशन एक भौगोलिक, भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर हुआ है, अगर वो नहीं रुका तो कहाँ जाके आप, मतलब अगर आप नहीं डरे तो इनके हाथों ही आपको ख़त्म होना है। ये थोड़ी सी एक कदम और आगे हम बढ़ लेते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने ही देश के बच्चे हैं, और वो खेल रहे हैं, मुसलमान के बच्चे हैं, छोटे बड़े प्यारे मासूम से बच्चे हैं। आप इनको पहले सीरियसली देख लीजिए, फिर बात करते हैं। सबके पास उनकी अपनी बनी हुई तलवारें मौजूद हैं, एक बार कटे को है बहुत अच्छे। हाँ तू भी काट देखा, वाह वाह वाह, तू शाबाश, चल हाँ ए देखा तू, उस्मान तेरे कोल भी ये निका, तू काट देखा, वाह ओए तेरे कोल कोई नहीं नाज तलवार। अच्छा अच्छा तू समझ कोई दसो हैं, ये एक की कै बनाई हैं? ये हमने खुद बनाई हैं। किस लिए? हमें, हम मुसलमान हैं और हमें काफिरों की गर्दनें उड़ानी हैं। ओ अच्छा, काफिरों की गर्दनें उड़ानी हैं, मतलब कोई भी काफिर मिल गया तो आप लोगों ने उसका वो सर कलम कर देना है, और उसके बदले में क्या मिलेगा आप लोगों को? जन्नत मिलेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देख लिया, सुन लिया, यहाँ पे कुछ आकृति बनी, कुछ घटनाएं देखी। यही बच्चे जब बड़े होंगे, भले डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, वैज्ञानिक हो जाए, सरकारी दफ्तरों में नौकरियों में आ जाए, या कुछ भी हो जाए, तो अभी एक कश्मीर में NIT के बच्चों ने नारे लगाए हैं, क्योंकि गुस्ताख रसूल हो गया था। एक ट्विटर हैंडल पे एक लड़के ने एक ऐसा कोई वीडियो शेयर कर लिया था, तो यहीं पहुंचेंगे वो बच्चे भी। और अगर आप अभी नहीं संभले तो इन्हीं के हाथों आपको ख़त्म होना है। आप संभलेंगे, संभल के क्या करेंगे, मतलब आप क्या संभलेंगे, आप कैसे संभलेंगे, आपको करना क्या है? डरिए कि इन्हीं के हाथों आपको ख़त्म होना है।
तो डर के क्या करेंगे, संभलेंगे, संभलेंगे कैसे संभलेंगे, है ना, किस रास्ते आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सोचना है, समझना है। इतना तय है कि जो शीर्ष की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था है वो जब तक नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलना। वीडियो को देखिए, ये सर से पांव तक लोग ढके हुए हैं, ऐसा लगता है कि मान लो कि सर से पांव तक सबके है, पूरा का पूरा ढक के रखा हुआ है, लेकिन कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि काफिरों को मारना है, सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, हर जगह लगते हैं। नुपुर शर्मा के टाइम में तो सबने देखा होगा, है ना, मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर के मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली से लेकर के हैदराबाद से लेकर के कश्मीर तक लड़कियों ने नारे लगा दिए थे, स्त्रियों ने नारे लगा दिए थे। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आज का ये छोटा सा ही वीडियो आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए कि देश की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी गति है, प्रगति है, CAA नहीं आया, NRC नहीं आया, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, ये हमारे मंदिर और ये हमारे मस्जिद और हमारे दीत हमारे दैट, ये वक्फ बोर्ड, ये उसकी ज़मीनें, वो पैरेलल मुसलमानों की सत्ता, कुछ काम नहीं आने वाला। ये सब चुनावी मुद्दे चलते रहेंगे, जब तक हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था नहीं आएगी तो वो इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। और बंटवारे के बाद के भारत में जो डेमोग्राफिक इन्फ्लेशन हो चुका है, जहाँ पे राष्ट्र पहुँच चुका है, भारत पहुँच चुका है, वहाँ हिंदू सनातनी अगर नहीं जुटे, एकत्रित नहीं हुए, राजनीतिक सत्ता के हकदार नहीं हुए, तो डरिए कि आपको इन्हीं के हाथों ख़त्म होना है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपनी प्रतिक्रिया अच्छी तरीके से दीजिए, जिससे कि आप जब कुछ लिखते हैं तो गूगल को लगता है ये जो वीडियो है वर्थ है, वो आगे तक बढ़ाता है। इट मस्ट रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो आप इसको शेयर भी करेंगे, इतनी दूर तक पहुंचाएंगे भी। जय सिया राम, हरिओम।